देश में इस वक्त 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। इसी बीच राजनीतिक दलों के बीच चुनावी जंग का दौर भी जारी है। इस बीच उड़ीसा की पुरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा ने सोमवार 20 मई को भगवान जगन्नाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भक्त बता दिया। इसका एक कथित वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी उड़िया चैनल से बातचीत में ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ पीएम मोदी के भक्त हैं। मोदी को देखिबा पाई लक्षाधिक लोक लोक आछन्ती मोदी को भक्त जगन्नाथ आम सब हूँ मोदी परिवारजन ये जो अद्भुत दृश्य मु तो मोर इमोशन कंट्रोल कर पारुनी आ मत लगुच ये सब ओडिया आज गोटे बहुत विशेष दिन। वहीं इसको लेकर अब उन्होंने माफी मांगी है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने माफी मांगने का वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर रात के करीब 1 बजे शेयर करते हुए लिखा, आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को लेकर मुझसे जो भूल हुई है उस विषय को लेकर मेरा अंतर्मन अत्यंत पीड़ित है। मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के चरणों में शीश झुकाकर क्षमा याचना करता हूँ। अपने इस भूल सुधार और पश्चाताप के लिए अगले 3 दिन में उपवास पर रहूंगा। थी उस समय बहुत धूप भी थी, गर्मी भी थी, बहुत शोरगुल भी था। अनजाने में बाइट देते समय मैंने उसका उल्टा कह दिया कि मोदी जी के भक्त महाप्रभु हैं। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति अपने सही हालत में ऐसा कभी कह भी नहीं सकता है कि किसी मनुष्य के भक्त भगवान होंगे। तो अनजाने में ये त्रुटि हुई है, अनजाने में हुए एक स्लिप ऑफ टंग के लिए भी मुझे महाप्रभु जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और मैंने निर्णय लिया है। वहीं संबित पात्रा की इस टिप्पणी के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष नेता संबित पात्रा के इस बयान को लेकर बीजेपी पर भगवान जगन्नाथ के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। इस पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भगवान जगन्नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड के भगवान हैं। महाप्रभु को किसी इंसान का भक्त कहना भगवान का अपमान है। इससे करोड़ों जगन्नाथ भक्तों और उड़ीसा लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। उन्होंने आगे कहा कि भगवान जगन्नाथ हमारी स्मृति के सबसे महान प्रतीक है। राज्य के लोग इसे याद रखेंगे और हम इसकी निंदा करते हैं। दरअसल सोमवार को उड़ीसा की पूरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा जब उड़िया मीडिया से बातचीत कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने भगवान जगन्नाथ को मोदी का भक्त बता दिया। इसके बाद से ही सियासत गर्मा गई है और विपक्षी नेता जमकर इस बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।